सोलन जिला पेंशनर एसोसिएशन ने प्रेस वार्ता का आयोजन किया, जिसकी अध्यक्षता जिला प्रधान जयदेव शर्मा ने की। उन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर से आग्रह किया है कि मुख्य सचिव के कामकाज को देखते हुए उन्हें सेवा विस्तार दिया जाए। उन्होंने कहा कि जब से सीएम जयराम ठाकुर के नेतृत्व में सरकार बनी है, तब से ही ऐसे अनेक निर्णय कर्मचारी एवं पेंशनर के हित में लिए गए हैं। इन निर्णयों को सरोकार करने में मुख्य सचिव विनीत चौधरी की अहम भूमिका रही है। उन्होंने बिना किसी मांग के पेंशनरों को बिना किसी मांग के महंगाई भत्ता एवं अंतरिम राहत प्रदान की है। इस मौके पर जिला प्रधान जयदेव शर्मा ने कहा कि भाजपा प्रदेश सरकार ने बिना संघर्ष के उनकी मांगों को पूरा किया है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस ने अपने कार्यकाल में पेंशनरों को सबज बाग दिखाए हैं और उनसे जो वायदे किए थे उन्हें पूरा नहीं किया है। उन्होंने सरकार से मांग की है कि जल्द से जल्द जेसीसी की बैठक बुलाई जाए, ताकि पेंशनरों की लंबित मांगों पर विचार विमर्श किया जा सके। आज भारतीय जनता पार्टी की सरकार हिमाचल के कर्मचारियों और पेंशन के हितों में काम कर रही है। उसके साथ ही उस सारे कार्य को आगे बढ़ाने के लिए हमारे मुख्य सचिव महोदय श्री विनीत चौधरी का भी बहुत योगदान रहा है। तो सरकार से हमारी एक प्रार्थना है कि उनका कार्यकाल बड़ी जल्दी समाप्त होने जा रहा है। सरकार से अनुरोध है, यह संगठन भी अनुभव करता है और ऐसा फील करता है कि विनीत चौधरी जी को एक कार्यकाल आगे बढ़ना चाहिए, ताकि हिमाचल प्रदेश में जो इस सरकार को शक्ति देने के और मार्गदर्शन करने के लिए उनका जो सहयोग रहा है वो सरकार को भी मिल सके, हिमाचल के मजदूरों को भी मिल सके, हिमाचल के कर्मचारियों को मिल सके, हिमाचल के पेंशनरों को मिल सके, हिमाचल के किसानों को मिल सके और हिमाचल के बागवान को मिल सके, ऐसी हम अपेक्षा करते हैं। तो इसके अंत में मैं सरकार से एक अनुरोध करना चाहूँगा कि जो कर्मचारियों के पेंशन की जेसीसी की जो मीटिंग है उसको जल्दी बुलाया जाए, ताकि वो जो पेंशन की मांगे पेंडिंग पड़ी है, वो बहुत सी अन्याय जो पिछली सरकार ने किया हुआ उसको पूर्ण करने के लिए जल्दी जेसीसी की मीटिंग बुलाए,